अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मंगोलपुरी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिंकू के परिवार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में तालग्राम क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह भीषण कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, जिसमें कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इसमें कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही उनकी शनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। यूपी के कासगंज जिले के थाना सिद्धपुरा में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई यूपी पुलिस के सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी मोती धीमर की मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से एक भाला भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला ने ही बेटे को इस हत्या के लिए उकसाया था। वहीं यूपी सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर में 6 से 8 कक्षा तक के सभी स्कूल 10 फरवरी से खोल दिए गए हैं। हालांकि बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है। बता दें, परिजनों की मंजूरी पर उन्हें घर रहकर पढ़ाई करने की अनुमति है। सरकार के इस फैसले के बाद नोएडा के बड़े प्राइवेट स्कूलों ने भी 6 से 8 कक्षा के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। तो भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:30 बजे के करीब आए भूकंप से दिल्ली NCR थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।